वे सजना वे सजना सोने जिया, वे सजना वे सजना सोने जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सजना सोने जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सजना सोने जिया, सोने जिया सोने जिया। वही ख्वाब देखूं सजना जिस ख्वाब में तू हो, वही आँख रखूं ढोलना जिस खाक में तू हो, मेरा तेरा ते जगना सोना वे सजना सोने जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सजना सोने जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सजना सोने जिया, वे सोने जिया सजना वे सजना सोने जिया, दिल देना ते दिल मंगना वे सजना सोने जिया, सोने जिया सोने जिया। थैंक यू वेरी मच। तो हेलो जी, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो हम लोग जो है ना दुकान पे आए हुए थे गद्दे ख़रीदने के लिए, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज में गद्दे थे, 4,000 से स्टार्ट थे और 16,000-17,000 तक गद्दे थे, जो मतलब अच्छे क्वालिटी के थे, जो ज़्यादा महंगे थे। तो यहाँ पे बजट के हिसाब से अपने आप ख़रीद सकते हो। यहाँ पर गद्दे बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी सामान है यहाँ पर। तो मैं भी अपने जितना मेरा बजट था उसी हिसाब से गद्दे देख रही थी कि कौन से गद्दे लें। तो यहाँ पर इतनी अच्छी है, अलमीरा बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो जब जाते हैं ना दुकान में तो एक चीज़ लेने जाओ ना तो एक दूसरी चीज़ देखते ही उसे भी लेने का मन करता है। तो ये भैया दिखा रहे थे कि यहाँ पर इस गद्दे की रेंज ये है, इतनी है और इतनी गारंटी है इसकी। तो पहले तो मैं सस्ते वाले ही ले रही थी, फिर बेटी ने कहा कि मम्मा ले रहे हो तो फिर थोड़ा 1-2 हज़ार का क्या है, तो फिर ले मैंने कहा चलो फिर देखते हैं भाई, ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम चीज़ें होती हैं ना, एक बार नहीं होती है, बार बार जो है ना खरीदते नहीं इस चीज़ों को, एक ही बार खरीदी जाती हैं। तो ये दूसरे वाले भैया यहाँ से निकाल रहे थे ना गद्दे, तो हमने पसंद कर लिए थे, ये वाइट वाले गद्दे थे, ये हमने पसंद किए थे। तो मुझे तो इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वाइट जो होता है मैला हो जाता भी, लेकिन बच्चों की पसंद किया गया, हम फिर क्या बोल सकते हैं। तो ये पल्लवी की पसंद थी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी या लकड़ी का सामान, मैंने तो नीचे वाला स्टोर देखा ना इनका, ये अलमीरा वगैरह भी इनके पास बहुत अच्छी अच्छी थी, बहुत सारा सामान था, इनको सारा सामान कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो है ना नीचे वाला फ्लोर है इनका, यहाँ पर बेड थे, यहाँ पर एक बेड थे बहुत अच्छे थे, 22,000 के थे वो बेड, बहुत पसंद आए थे मुझे, लेकिन हमारे पास तो बहुत है ना, अभी क्या करना। तो ये जो है ना मेन, ये जो डल्लू है ना हमारे यहाँ जयसिंहपुर से पीछे है ना, वहाँ पे ये दुकान है। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान अच्छे रेट पर भैया दे देते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप इनको ना मेरी गाड़ी के ऊपर ना रख भी दो, और इन्होंने बांध भी दिए थे काफ़ी अच्छे, तो इससे ना हमारा किराया भी बच गया, 200-250 रुपये अगर किराया लेना था ना ट्राले वाले ने, तो वो भी बच गया। तो बांध रहे हैं गाड़ी के ऊपर। हेलो जी, गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो गाइस, टाइम हो चुका है शाम के लगभग 7:30 का वक्त है और बाहर जो है अंधेरा होने वाला है। तो मैंने सोचा कि हम लोग जो गद्दे लेकर आए हैं उनको हम रख देते हैं, लगा देते हैं बेड में, क्योंकि सुबह भी लगाने ही पड़ेंगे, अभी भी लगा देंगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। तो हम लोग लगा रहे हैं, मैं और पल्लवी। तो मैं आपको दिखाती हूँ गद्दे। तो ये देखिए हमारे गद्दे ये हैं, मैंने अभी इसमें से ना प्लास्टिक नहीं उतारा है, मेरे पास बरसात आएगी ना तो मॉइस्चर मतलब हो जाता है ना कई बार, तो गद्दे सेफ रहेंगे। तो ना पल्लवी ने ना कलर वाइट ले लिया इसका, मैंने सोचा कुछ और कलर ले हो ना डार्क जैसा, तो इसको ना वाइट जैसा पसंद आता है। मैंने कहा वाइट, फिर मैंने कहा चलो ठीक है वाइट ही ले लिया, वाइट जो होता है ना ये मैला होने का भी इसको डर रहता है ना, तो फिर मैंने कहा अब इसको ना शीट्स इसकी ना नहीं उतारेंगे। और ये गद्दे हैं सुप्रीम क्वालिटी के और ये पड़े हैं हमें 7,000 के।
और अच्छे लगे मुझे। ठीक है, सॉफ्ट हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले हमने बिछाए थे ना वो काफ़ी हार्ड थे ना, वो हमने ना वो ट्रक वाले आते ना बेचने, उससे लिए थे, वो अच्छे नहीं थे ना। फिर इस कमरे के लिए ना गद्दे चाहिए ही चाहिए थे, तो फिर मैंने कहा चलो अब कमेटी मेरी निकली है तो मैंने कहा चलो गद्दे लेकर ही आते हैं। तो ये देखिए पल्लवी से चादर बिछा रही है, चलो बिछाओ भाई। तो देखिए यहाँ ये हमारा गांव है, हमारे घर, हमारा जो घर है ना वो बीच बीच में पड़ता है, ऊपर से भी रास्ता है और निचली साइड से भी रास्ता है। और ये रहा हमारा घर, ऊपरला फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर है ये। तो यहाँ भी दो कमरे हैं हमारे और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी बनाए हैं हमने। और ये हमारा नीचे आंगन है और ये पुराना घर है हमारा। तो यहाँ ना देखिए ये स्लेट वाला मकान है, तो ये स्लेट ना एक इसका उड़ गया है, मतलब टूट गया है, इसके लिए भी मिस्त्री बुलाना पड़ेगा। तो ये ना अच्छे नहीं थे वैसे, हार्ड जैसे थे ना, मुझे अच्छे लगे। फिर मैंने ना इसके साथ ना ये एक शीट बिछाई हुई थी, एक एक शीट और एक एक गद्दा। फिर बात नहीं बन रही थी, फिर हमें ना गद्दे चाहिए चाहिए थे। बिछ गई, ये देखिए लुक काफ़ी अच्छा है बेड का। और ये हमारे पर्दे, ये देखिए इस तरह से, छोटा रूम है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना, चलो गुजारा लायक है ये गेस्ट रूम टाइप, ज़्यादा बड़ा क्या करना। और हमने ना ये वाली सीलिंग कराई हुई है, ये सारी लाइट्स जलती हैं, ये वाली तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा शौक है ना घर सजाने का, अच्छी अच्छी चीज़ें लेने का, अच्छी अच्छी मतलब घर को अच्छा सजा कर मेंटेन रखने का बहुत शौक है। पर कुछ ना ओवर काम है ना उसकी वजह से ना मैं कुछ कई बार ना मेरा ना ऐसा काम अधूरा जैसा रह जाता है, कई बार सफाई का आधा काम अधूरा जा जाएगा। तो भैंसों की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा काम का ओवरलोड है, पर कोशिश यही करती हूँ कि घर को साफ़ सुथरा रखूँ और अच्छा दिखे। तो मुझे इस टाइप से घर को साफ़ सुथरा रखना और वाइट वाइट रखना बहुत पसंद है। तो गाइज़ मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो कमेंट भी करना और आपको ब्लॉग कैसा लगता है, तो अगर कमी हो तो कमी भी बताया करो। तो चलिए हम नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं, और चलिए फिर। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं भैंसों के पास, ये हमारा रोज़ का रोज़ काम है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये देखिए पानी पिलाएंगे और गोबर वगैरह उठाएंगे और इनको नहलाएंगे, ये तीन काम जो होते हैं हमारे सुबह ही होते हैं। लेकिन आजकल पता क्या है, ये बहुत सुबह हो रहे हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। पानी हमारा जो आ रहा है वो सुबह सुबह ही आता है एक बार, नहीं तो दोबारा भी आ जाता था। इस बार ना पता नहीं क्या हुआ है, कुछ पानी की कमी हो गई है धूप की वजह से, तो मतलब पानी जो है नहीं आ रहा है। तो सुबह सुबह ही हम इस काम को कर लेते हैं। अभी मैंने घर में झाड़ू नहीं लगाया है, मैंने कहा पहले मैं इनका ही कर लूँगी। तो गोबर वगैरह फेंक लेते हैं, तो मैं तसले में ना नीचे ना थोड़ा सा भूस डाल लेती हूँ, इससे ना चिपकता नहीं है गोबर।
तो जी इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। तो मेरा वसदा रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसदे रहो, बाय।